जिला फतेहाबाद भुनाकस्बा में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल का महाकुंभ शुरू हो गया है, जहां भारत सहित अरब देशों की 12 फुटबॉल टीमें भाग ले रही हैं। ये प्रतियोगिता अंडर 17 व लड़कों की है। विश्व स्तरीय CBSE फुटबॉल प्रतियोगिता फतेहाबाद के कस्बा भूना में शुरू हुई, जिसका उद्घाटन फतेहाबाद हलके के BJP विधायक दुडाराम ने किया। इस प्रतियोगिता में दुबई, अरब, ओमान, अबुधाबी, शारजा आदि की 12 टीमें हिस्सा लेंगी। ये प्रतियोगिता अंडर 17 वर्ग के लड़कों की है। इस अवसर पर आयोजन समिति के सदस्य ने बताया, ये प्रतियोगिता 10 नवंबर से 14 नवंबर तक चलेगी, जिस पर खेल समारोह के संयोजक राजेश कुमार ने बताया कि खेल के दूसरे वर्ग में अंडर 19 भी शामिल किया गया है। नेशनल CBSE का टूर्नामेंट है, इसके अंदर विदेशी टीमों ने भी भाग लिया है। 10 देशों की टीमें इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही हैं, जैसे दोहा कतर, दुबई, कुवैत, ये ईरान, ये टीमें जो हैं इसमें भाग ले रही हैं। और 25-25 टीमें अंडर 19 और अंडर 17 के अंदर जो है प्रतियोगिता में भाग ले रही हैं। यह प्रतियोगिता लीग कम नॉकआउट के आधार पर चलेगी। लीग प्रतियोगिता में 27-27 मैच होंगे दोनों ही एज ग्रुप के, और उसके बाद इनको क्वार्टर फाइनल सुपर 8 के अंदर ये टीमें आएंगी। सुपर 8 में क्वार्टर फाइनल खेल के फिर सेमीफाइनल और फाइनल जो है 14 तारीख को 12:30 बजे विश्वास नव शारदा के फुटबॉल मैदान के अंदर आयोजित होगा। खेल में नॉकआउट मैच किए जाएंगे, फिर क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल होगा। विजेता टीमों को पुरस्कृत किया जाएगा। फुटबॉल प्रतियोगिता में भाग ले रहे खिलाड़ियों ने बताया, यहाँ पर और बहुत ही अच्छे मैदान पर खेल करवाए जा रहे हैं, हर प्रकार की सुविधाएं दी गई हैं, उन्हें उम्मीद है कि वो अपना बेहतर प्रदर्शन करेंगे। अंडर 17 में आया हूँ मैं खेलने और बहुत अच्छा लगा भुना में आके, और अभी 3-4 साल हो गए हैं खेलते फुटबॉल, बहुत अच्छी लगा है। खिलाड़ियों का मानना है सभी खिलाड़ी खेल भावना के तहत खेलेंगे, जैसा कि आज मार्च पास्ट के बाद शपथ भी दिलाई गई है। अधिकतर मैच देर शाम को खेले जाएंगे। अब देखना होगा इस प्रतियोगिता में कौन सी टीम बाजी मारती है। फतेहाबाद से रमेश भट्ट, टोटल न्यूज़।